चैन दोस्तों। इंडिया का छठा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसमें शायद हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या नहीं खेलेंगे, तो उनके खिलाफ इंडिया की प्लेइंग 11 क्या होगी? पाकिस्तान सेमीफाइनल में कैसे जाया जाएगा? क्योंकि यार पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचाना है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक और मुकाबला देखने मिल जाएगा। और कुछ अपडेट्स आपको देंगे, तो बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले हम इंडिया के प्लेइंग 11 देख लेते हैं इंग्लैंड के खिलाफ बिना हार्दिक पांड्या के। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, तो उनके बिना होते हुए भी प्लेइंग 11 हमारी कैसी होती है वो देख लेते हैं। तो ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा के साथ सुमन गिल, नंबर 3 पर विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 5 पर केएल राहुल, नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर मोहम्मद शमी, नंबर 9 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 10 पर कुलदीप यादव, नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज। तो यह रहेगी इंडिया की प्लेइंग 11। पहली अपडेट के बारे में बात करें तो पहली अपडेट हार्दिक पांड्या पर है। जी हाँ दोस्तों, उनकी इंजरी बहुत बड़ी हो चुकी है। उनको बोला जा रहा है कि वो 2-3 मुकाबला शायद मिस करेंगे, इंग्लैंड के खिलाफ भी मुकाबला मिस करेंगे। मतलब वो शायद साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया का मुकाबला होने वाला है, उसमें वो बोला जा रहा है कि वापस आ जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। दूसरी अपडेट के बात करें तो दूसरी अपडेट पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, क्योंकि अब उनके जगह पर शायद ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला हारी थी, और भी उन्होंने इतने मुकाबले रन रेट के बड़े रन रेट से हारा, जो इंडिया के खिलाफ था वो भी एक बड़ा रन रेट से हारा, तो पाकिस्तान शायद अब नहीं जा पाएगा सेमीफाइनल में। 2023 का वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी पाकिस्तान टीम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।